सबसे पहले हम लोग जानेंगे महासागर यानी ओशियन को, जैसे पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। देखिए, महासागर उसे बोलेंगे जो महाद्वीपों से घिरा हुआ एक बहुत ही बड़ा वाटर बॉडी हो। क्या समझे? महाद्वीपों से घिरा हुआ, महाद्वीप से नहीं यानी एक कॉन्टिनेंट से नहीं, और भी एक से अधिक कॉन्टिनेंट जिसके चारों तरफ होंगे, और बहुत बड़ा वाटर बॉडी होगा, या तो बहुत बड़ा वाटर बॉडी जो महाद्वीप को, कॉन्टिनेंट को घेरे हुए हो, यह भी बोल सकते हैं। तो उसे हम लोग महासागर बोलेंगे। अब यहां पर एक बात समझिए, ये जो महासागर है हमारे अर्थ में वर्तमान में पांच है। सबसे पहले प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक महासागर, एटलांटिक ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन, और दक्षिण महासागर, साउथ ओशियन। तो टोटल पांच महासागर है। लेकिन सवाल है फिर सागर क्या है, समंदर क्या है? सागर समंदर एक ही वर्ड है, ठीक है, सी दोनों इंग्लिश। सागर या समंदर उसे बोलेंगे, देखो जो अपना कॉन्टिनेंट है महाद्वीप है, महाद्वीप से जब आगे बढ़ेंगे पानी की तरफ, समंदर की तरफ, तो पहले सागर आएगा, एक लेयर उसका एक दायरा आएगा, और सागर से आगे बढ़ेंगे तब महासागर आएगा। यानी महासागर और महाद्वीप के बीच का जो रीजन है वो सागर कहलाएगा। जो सागर होगा वहां पे गहराई महासागर ओशन के मुकाबले काफी कम होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सागर में ही टाइड एंड वेव आएगा, तरंगे आएंगे, ज्वार भाटाएं आएंगे, महासागर में नहीं आना, गहरा पानी है ना, गहरा पानी यानी अधिक ज्ञान, अधिक ज्ञान जो होता है वो उछलता कम है, जिसके पास कम ज्ञान होता है उछलता ज्यादा है, जैसे सागर समंदर उछलता ज्यादा है, गहराई कम है, महासागर में गहराई अधिक है, पानी अधिक है, नहीं उसमें तरंगे आता है, हिलावट नहीं होता है। लेकिन सवाल है कि ये जो सागर है वो महासागर और महाद्वीप के बीच है, तो कैस्पियन सी, ब्लैक सी, डेड सी, इसे सी कैसे बोल दिए, सागर कैसे बोल दिए? क्योंकि कैस्पियन सी चारों तरफ से लैंडफॉर्म से, स्थल से घिरा हुआ है। देखो ये बेसिकली सागर नहीं, ये झील है। हुआ क्या, जब समुद्री यात्रा शुरू हुआ था तो जो नाविक थे कैस्पियन सी में जब उतरे, दूर दूर तक पानी दिखा तो सागर नाम दे दिया। काफी दूरी तय करने के बाद पता चला, रे यहां तो लैंड है, ये तो चारों तरफ से घिरा हुआ है। बाद में हेलीकॉप्टर आया, हवाई जहाज आया, सैटेलाइट आया, तो हमें एक्चुअल फुटेज पता चला कि कैस्पियन सी तो घिरा हुआ है, लेकिन तब तक मैं काफी देर हो चुका था। पूरा दुनिया कैस्पियन सी को कैस्पियन सी बोलने लगा था, ब्लैक सी बोलने लगा था, एक डेड सी कहा जाने लगा था। तो जो नाम के साथ उसके सी जुड़ गया उसको फिर हटाया नहीं गया, लेकिन एक्चुअल में वो सी नहीं है, वो झील है। क्योंकि सी का डेफिनेशन सिंपल है कि महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट और महासागर यानी ओशियन के बीच का जो वाटर बॉडी है वही सी होगा। कैस्पियन सी चारों तरफ से जमीन से घिरा है, तो ये सागर तो हो ही नहीं सकता, ये तो झील होगा ना। तो उम्मीद है आप सबको एक बेहतर समझ में आया होगा। तो इस तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे इस टर्मिनोलॉजी के सीरीज में आप और भी इस तरह से टेक्निकल वर्ड्स को समझ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।